नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति में आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला क्वेश्चन है, विख्यात लोक देवी करणी माता का बचपन में क्या नाम था? विख्यात जो लोक देवी हैं करणी माता, उनका बचपन में क्या नाम था? उनका बचपन में नाम था दोस्तों रिद्धू बाई। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, इस देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी है जहाँ पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है। इस देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी है और जहाँ पर पुजारी क्या करता है, झाड़ और फूंक से विभिन्न रोगों का यानी किसी भी प्रकार का रोग उसका क्या करता है, निवारण करता है। तो ये केला देवी का जो मंदिर है वहाँ पे होता है दोस्तों। ये इस देवी का मंदिर, केला देवी के मंदिर के सामने दोस्तों बोरा की छतरी है जहाँ पर पुजारी झाड़ और फूंक द्वारा विभिन्न रोगों का निवारण करता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, केला देवी। क्वेश्चन नंबर तीन, करौली जिले में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली जिले में केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों कालीशील नदी के किनारे स्थित है। कालीशील, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। करौली जिले में केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे है? कालीशील नदी के किनारे है दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, लंगूरिया भक्ति गीत एवं नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? लंगूरिया भक्ति गीत एवं नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? दोस्तों ये केला देवी का मेला है ना, उसका प्रमुख आकर्षण है लंगूरिया गीत एवं भक्ति गीत है नृत्य है वो केला देवी मेले का प्रमुख आकर्षण है। लंगूरिया गीत और भक्ति गीत, लंगूरिया भक्ति गीत और नृत्य है ये केला देवी मेला है ना ये प्रमुख आकर्षण है ये। क्वेश्चन नंबर पाँच, आई माता का मुख्य मंदिर बडेर स्थित है। आई माता का जो मंदिर होता है उसको बडेर कहा जाता है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों भीलवाड़ा जोधपुर में स्थित है। आई माता का जो मुख्य मंदिर है उसको बडेर कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जोधपुर में। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, किस माता के मंदिर में दीपक के लौ से केसर टपकती है? किस माता के मंदिर में दीपक के लौ से केसर टपकती है? दोस्तों आई माता का जो मंदिर है उनका जो दीप उसके सामने जो दीपक जलता है उस दीपक से केसर से लौ टपकती है, मतलब लौ होती है ना जैसे घर में हम दीपक चलाते हैं है ना, तो उससे केसर टपकती है उस दीपक से, उसकी लौ होती है ना उससे केसर टपकती है। ये आई माता का मंदिर में होता है दोस्तों। आई माता के मंदिर में जो दीपक होता है उसकी लौ से केसर टपकती है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, पंचाल ब्राह्मण जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी जिसे तुरतई माता भी कहा जाता है का मंदिर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। पंचाल ब्राह्मण जाति की जो कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी जिसको तुरतई माता भी कहा जाता है का मंदिर स्थित है दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर आठ, आमेर के किस शासक ने पूरी बंगाल से शिला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया था? किसने करा था? राजा मान सिंह ने है ना, ये आमेर के शासक थे राजा मान सिंह ने पूर्वी बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाकर आमेर के महलों में स्थापित कर दिया था राजा मान सिंह ने। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, राजस्थान की वह एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? उनका नाम है शीतला माता चाक्षु। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। शीतला माता चाक्षु है ना, उनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है दोस्तों। ये एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, सील डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? सील की डूंगरी चाकसू में स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। ऑप्शन बीच में राइट हो जाएगा। शील की डूंगरी चाक सुस्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बीच में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, नारायणी माता आमेर जयपुर, ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। कमेंट करके बताना दोस्तों नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में सैनिकों की आराध्य देवी कहलाती है। राजस्थान के अंदर सैनिकों की जो आराध्य देवी है वो कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है तनोट या आवड़ माता। ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान की जो सैनिकों की आराध्य देवी है तनोट माता या आवड़ माता कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में आशापुरा माता जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के अंदर आशापुरा माता जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उपयुक्त सभी स्थानों पर नाडोल पाली में स्थित है आशापुरा माता का मंदिर, मोदरान जालौर में भी आशापुरा माता का मंदिर स्थित है, पोखरण जैसलमेर के अंदर भी आशापुरा माता जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। सभी जगह पर उपयुक्त सभी स्थानों पर आशापुरा माता जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जीण माता का मुख्य मंदिर किस जिले में है? जीण माता का मुख्य मंदिर दोस्तों सीकर जिले में। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में? रानी सती को दादी जी कहा जाता है दोस्तों, का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू जिले में दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोक देवी नारायणी माता का मूल नाम क्या था? लोक देवी है नारायणी माता, उनका मूल नाम क्या था दोस्तों? करमेती बाई। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, करौली के यदुवंशी यानी यादव राजवंश की कुल देवी के रूप में विख्यात है। करौली के जो यदुवंशी यादव हैं राजवंश की कुल देवी के रूप में विख्यात हैं, कौन सी हैं? केला देवी दोस्तों। करौली की जो केला देवी हैं वो यदुवंशी यादव राजवंश की कुल देवी के रूप में विख्यात हैं, केला देवी दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य में लाभ प्रदान कौन करती है? भादना सॉरी आई माता, आवरी माता दोस्तों। आवरी माता है वो लूले लंगड़ों और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ में क्या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है दोस्तों? आवरी माता। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लोक मान्यता अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी को चुल्लू में भरकर आचमन कर सोख लिया? लोक मान्यता के अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी को चुल्लू में भरकर आचमन कर सोख लिया था? उनका नाम है दोस्तों आवड़ माता। जो आवड़ माता हैं ये लोक मान्यता के अनुसार हाकड़ा नदी को चुल्लू में भरकर क्या कर दिया था? आचमन सोख लिया था। उस नदी को क्या कर लिया था? सोख लिया था दोस्तों। हागड़ा नदी को पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, यानी पी गई थी और खत्म कर दिया था आवड़ माता ने। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की अमावस्या को किस देवी का मेला भरता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष भाद्रपद की माह की अमावस्या को किस देवी का मेला भरता है? रानी सती का। रानी सती का मेला वो हमेशा ही अमावस्या के दिन आता है दोस्तों, रानी सती। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रानी सती। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहाँ पर देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है, उनका नाम है दोस्तों ब्राह्मणी माता। सौर सन 12 के अंदर दोस्तों जहाँ पर देवी की पीठ व श्रृंगार की पूजा की जाती है, ब्राह्मणी माता सौर सन 12 के अंदर। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बाबूजी की सबसे प्रिय घोड़ी का क्या नाम था? बाबूजी की जो सबसे प्रिय घोड़ी उनका नाम था केसर कालमी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऊँटों या ऊँट पालकों के देवता माने जाते हैं। ऊँटों के जो देवता हैं वो बाबूजी हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। ऊँट पालकों को क्या कहा जाता है? राय का या रेबारी। जो इनके जो बाबूजी के जो ऊंट पालक होते हैं ना, ऊंटों को जो पालने वाले ऊंट पालक जिनको ऊंट पालक कहते हैं, उनको ये होते हैं रेबारी जाति के, रेबारी है ना, उनको रेबारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? गोगा जी की जो समाधि है वो चूरू जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। नहीं, गोगा जी की जो समाधि है वो हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, और जो गोगा जी का जन्म है वो चूरू जिले के अंदर हुआ है। और चूरू के अंदर शीश मेढ़ी है दोस्तों, और हनुमानगढ़ के अंदर धूड़ मेढ़ी है ना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से लोक देवता वीर तेजा जी से संबंधित स्थल नहीं है।
निम्न में से लोक देवता वीर तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? मुंडेल नागौर है वो तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है, खंडाल नागौर संबंधित है, सेंदरी अजमेर भी संबंधित है, पंचशील दुगारी बूंदी ये भी तेजाजी से संबंधित है दोस्तों। मुंडेल नागौर है ये तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों, ये माने जाते हैं दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लाशा गुजरी की गायें लुटेरों से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले लोक देवता हैं, लाशा गुजरी की गायें हैं दोस्तों, उनको लुटेरे से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले जो लोक देवता हैं उनका नाम दोस्तों तेजाजी है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ भरता है? चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गौरक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता हैं, गौरक्षा के लिए जो बलिदान देने वाले लोक देवता बताने हैं, बाबू जी भी गौरक्षा के लिए बलिदान हुए थे, गोगा जी भी हुए थे दोस्तों और तेजाजी भी, उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी गौरक्षा के लिए इन इन्होंने ही अपने प्राणों की आहुति दे दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ददरेवा और गोगा मेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों सांचौर जालौर के अंदर स्थित है, जो गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर जालौर के अंदर प्रसिद्ध स्थित है दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता की समर्थन में भरता है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक सबसे बड़ा जो मेला है किस लोक देवता की समर्थन में भरता है? ये भरता है दोस्तों रामदेव जी की, सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी का लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, किस लोक देवता को मुसलमान जहार या जहीर पीर के नाम से पूछते हैं? किस लोक देवता को मुसलमान जहार या जहीर पीर के रूप में पूछते हैं? गोगा जी को दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल बाबूजी की है, सबसे लंबी फल किसकी है? लोकप्रिय फल तो बाबूजी की है और सबसे लंबी जो फल है वो देवनारायण जी के दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान की लोक देवियों कुल देवियों एवं संबंधित राजवंश जाति का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान के अंदर लोक देवियों और कुल देवियों से संबंधित राजवंश और जाति का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं है दोस्तों आई माता पांचाल ब्राह्मण जाति की, ये संबंधित नहीं है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। बताना दोस्तों आई माता किस जाति की है, कमेंट करिए बताना आई माता किस जाति से संबंधित थी दोस्तों, इसमें ब्राह्मण जाति पांचाल ब्राह्मण जाति लिखा हुआ है ये गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, शीश देवली एवं धड़ देवली नामक स्थानों का संबंध किस लोक देवता से? शीश देवली एवं धड़ देवली नामक स्थानों का संबंध किस लोक देवता से? ये दोस्तों बिग्गा जी से है, किससे है? बिग्गा जी से, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, शीश देवली एवं धड़ देवली नामक स्थानों का संबंध किस लोक देवता से है? ये दोस्तों किससे हैं? बिग्गा जी से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।